जो है काम करना धरना यार किसी कुछ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और हमने 10 बार कहा कि जो है आप हम मिलकर काम कर लो, तो पता नहीं साला कैसे वीवो आड़े आता जा रहा है भाई। एक बार बताइए, उस दिन लिस्टिंग अपडेट हमारी बंद गई थी बढ़ जाती भाई। मैंने अच्छा ये तो जिस दिन प्रशांत के हम लोग गए थे सबसे पहले मॉर्निंग से हमने बात किया, तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि यार तुम जानते हो कि ये लोग कैसे हैं, विजय गांधी ने बोला तो तुम भी जानते बकायदा, समझ रहे हो। नौकरी बढ़कर भाई तुम बता रहा हूँ कुछ है नहीं, और मैं इस इनके रवैये से हम नहीं समझ में आया हमको, हम भाई पीछे हट रहे हैं। हमने सीधा बोल दिया है हम कहीं नहीं जा पाएंगे ना हम कोई कुछ बता पाएंगे, क्या करें यार भाई। जो है जब कहा गया कि लिस्टिंग एप्लीकेशन कर दो, सारी चीजें हैं, और ये बताओ क्या माहौल बनाने से नौकरी मिलेगी, कोर्ट में पैरवी करने से मिलेगी, आप बताओ। अगर उस दिन लिस्टिंग एप्लीकेशन चली गई होती है बुधवार को सुनवाई हुई होती उस पर भाई, बिल्कुल है। लेकिन सुनो बताएं तो बताओ पहले सुनो तो एकदम सही बात है। अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन हमने शनिवार को जिस दिन आया हमारा मूड खराब हुआ, हमने तुरंत उसी दिन बात किया तो हम लोग बता देंगे कि साथ उसे पूरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था करवा देंगे मंडे को भाई। उसके बाद पता नहीं अच्छा आपसे फिर बात हुई, उसके बाद क्या जो अच्छा क्या नाम है जिस दिन लिस्टिंग के लिए जाना था मंडे को, सिर्फ अंदर विजय हमने गए थे और हम लोग बाहर थे। अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कहे कि नहीं नहीं 100% डन है। अब यार हम लोग भी भरोसा कर लिए क्योंकि उसके पहले भाई जितना काम हम लोग के संज्ञान में था और बाकायदा चल ही रहा था सब उसमें था, तो हम कहे इस समय नहीं कर सकते होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा या नहीं है ऐसा, और हो सकता है भाई इन्होंने कोशिश प्रयास भी किया और नहीं संभव होगा। लेकिन अब हम जैसे हमने भी बहुत सारी चीजें इनको बताई, देखो आपको भी पता है हाईकोर्ट में CIA सिस्टम चलता है अभी आजकल, CIA सिस्टम में ऐसा कुछ भी पॉसिबल है नहीं अभी नहीं। हाँ एक्चुअली मेरे दोस्त ने बताया, कहा कि भैया अब बिना जो है ये सोचो कि तुम ऐसे कोई काम करवा लोगे वो संभव नहीं है, बिना एप्लीकेशन मूव कराए आपका काम नहीं बनेगा, लिस्टिंग नहीं होगी, वो शनिवार को ही बता दिया था, तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा। मेरा दोस्त है, हेलो मेरा दोस्त है रिव्यू ऑफिसर हाईकोर्ट में, उससे मैंने बात की थी उसकी, और रिव्यू ऑफिसर की ताकत समझ रहे हो साला, केस को कहीं से कहीं से उठा के फेंक सकता है वो। बिल्कुल एक बंदे ने हाथ खड़े कर दिए थे कि प्रदीप भाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताते रहा हूँ, हमारे साथ है जहाँ हम हॉस्टल में रहते थे कुशवाहा भाई है और वो है वहाँ पे रिव्यू ऑफिसर हुए थे 2016 में, क्योंकि अरे वो है तो उन लोग सबसे बात हुई है। तो बताओ मित्र, मैं कहीं किसी को नहीं बताता हूँ, सामान ये है ये सिर्फ बाहर बाहर माहौल बनेगा, हर जगह चीजें समझ में नहीं आती है, आप फिर बताओ माहौल बनाने से नौकरी नहीं मिलेगी, कोर्ट में हकीकत सही से पैरवी करने मिलेगी मित्र नहीं तो पैरवी करने की जरूरत है। सुनो हम इस चीज से बहुत हो गए भाई परेशान, भाई समय बर्बाद हुआ, इतना टाइम बर्बाद हुआ, जो मैंने कहा कि नहीं लिस्टिंग होना चाहिए सारी चीजें मैंने, अब ये जान लो कि 2 तारीख को जब रोस्टर आया उस दिन रात में जो लालजी को भी मैंने बताया यार जो है ऐसी सी बातें मित्र इस बेंच की बेंच में सुनवाई नहीं होती, मतलब हमने जहाँ मेरे स्तर से जितना हो सकता था मैंने कोशिश की, मुझे अब समझ में नहीं आता। ठीक है हम विरोध किसी करने नहीं जा रहे हैं, अब जिसको भाई अपने मन से करना करे, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा से कर देंगे, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं यार। इससे बेहतरीन सुनो, इससे बेहतरीन शहर भी उस समय हुआ है, सोलर जला रहा है, कल जलाया, और हम लोग जब हम लोग बहुत सही चल रहा था यार, बहुत सही चल रहा है। एक भी आप गलती बता दो प्रदीप भाई, ये नहीं चीज हो पाई थी वहाँ पे, चलो मैं मान जाऊंगा कि वहाँ पर आपने चुप कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ पर्सनली तुम लोग क्या था, मैं उस चीजों से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट के मामले में बहुत सही काम चल रहा था भाई, बहुत बेहतरीन चल रहा था, जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे था, समझ रहे हो। और हकीकत में एक बता दूं, धरने से दबाव जरूर बन सकता है, लेकिन आप धरने से कोर्ट में आप पैरवी नहीं करवा पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि सरकार आपके साथ अवश्य है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी चिल्ला के नहीं कहोगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। हम ऐसी बातें पता नहीं कितनी बार इन लोगों को समझा चुके यार, लेकिन वही बात है ना, हमारे पास फंड है ना पैसा, ना कुछ है ना कोई मतलब, तो हम क्यों इस फर्जी में अपना माथा पच्ची करें,
बाकी भाई देखो विरोध नहीं, जो संघर्ष करना करे, करना है जिसको करे, हमारा स्वागत। हम तो पहले कह रहे थे सब साथ में हो लो, सारी चीजें हैं। भगवान यार वही है, बड़ा हम लोग का इसे दुर्भाग्य क्या बताया जाए। अब साले जनरल वाले अलग फंसे पड़े हैं, यही सब। हेलो हेलो हेलो,